एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक अमरोहा में स्थित पापड़ी मिलक गांव पड़ा। लगभग 6500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में गांव की प्रधान परमीला हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 1965 वोटर वाला यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसित है। बात शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के जूनियर एवं प्राथमिक पाठशाला में लगभग 94 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण भी कराया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए गांव में 52 हैंडपंप भी लगवाए जा चुके हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 250 विद्युत पोल व 9 विद्युत ट्रांसफार्मर भी गांव में लगवाए गए हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, पानी निकासी के लिए 300 मीटर नाला, अस्पताल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों तथा सीसी रोड के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। ग्राम प्रधान परमिला, ग्राम पंचायत पापड़ी, क्षेत्र अमरोहा, जिला अमरोहा। आवास यहां पर आवास नहीं है। शौचालय का पैसा लाभार्थियों के खाते में जाता है, जिससे लाभार्थी अपना शौचालय बना नहीं पाते और प्रधानों को जेल जाना पड़ता है। सरकार मानदेय नहीं बढ़ा रही है। मानदेय बढ़ा देना चाहिए और उनकी पेंशन भी बननी चाहिए। विधायकों को पेंशन दी गई है लेकिन प्रधानों को नहीं दी गई।